वेलकम टू द आशिमा शो। भारत में क्रिकेट बस एक खेल भर नहीं है बल्कि एक धर्म के जैसे है। जब भी मेंस इन ब्लू इंडियन टीम मैच जीतती या हारती है तो करोड़ों लोग एक साथ खुशी या दुख मनाते हैं। क्रिकेट मैचेस देखने का मजा तो दुगना तब हो गया था जब बीसीसीआई ने 2007 में 2020 फॉर्मेट में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। दुनिया के बेस्ट बैट्समैन और बॉलर्स जब एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं वो भी लिमिटेड ओवर्स के मैच में, तो कौन इस रोमांच को मिस करना चाहेगा। अब से ठीक 16 दिन बाद आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च से शुरू होने के लिए प्लान्ड है, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के चलते क्या इस बार आईपीएल मैचेस हो पाएंगे। बीसीसीआई इसी बात पे अड़ी हुई है कैसे ना कैसे करके आईपीएल मैचेस करवाए जाएं। वहीं सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन भर दिन कोरोना के कंफर्म केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीसीसीआई ने बताया इंडिया और साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज का दूसरा और तीसरा दिन स्टेडियम के बंद दरवाजों के बीच होगा। इसका मतलब बिना दर्शकों के होगा। सवाल ये उठता है, अगर बीसीसीआई इस वनडे सीरीज का डिसीजन ले सकती है तो आईपीएल को लेकर इतनी असमंजस में क्यों है। शायद क्योंकि फिलहाल अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि ही होगी। इसको काबू करने में अभी समय लगेगा। इस वीडियो में बताऊंगी वो सभी कारण जिनसे ये कहना कि आईपीएल कैंसिल ही होंगे अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, और आपने ध्यान दिया होगा तो अब चैनल का नाम द आशिमा शो हो गया है। इस पे ट्रस्टेड और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लगातार लाती रहूंगी। प्लीज सपोर्ट मी। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन कोरोना से बचने के लिए भारत ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। जी हाँ, इसका मतलब ये कि भारत सरकार ने दुनिया के सभी वीजा 15 अप्रैल तक कैंसिल कर दिए हैं। आईपीएल के सीजन में बाहर की कंट्रीज के 60 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। अगर फॉरेन प्लेयर्स को वीजा ही नहीं मिलेगा तो मैचेस होंगे कैसे। बात बस इतनी सी नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस इस दुनिया के 127 देशों तक फैल चुका है, तो इस रहस्यमय वायरस के चलते सभी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करने से कतराएंगे। कौन अपनी जान को खतरे में डालना चाहेगा। भारत को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि शुरू में भारत में कोरोना के सारे मामले बाहर के देश से ही आए हैं। शुरू में चाइना के वुहान शहर से और फिर बाद में इटली, ईरान, दुबई और अमेरिका से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना को रोकने का सबसे पहला कदम यही है कि जिस दरवाजे से कोरोना भारत में घुस रहा है उस दरवाजे को ही बंद कर दिया जाए। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर बीसीसीआई का क्या कहना है। कोरोना वायरस के डर के बीच बीसीसीआई के सामने आईपीएल का आयोजन करना बड़ी चुनौती बन रहा है। हालांकि बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईपीएल अपने तय समय पर ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों और फैंस की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके बारे में डॉक्टर से अभी राय ली जा रही है। बीसीसीआई सोर्सेस का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैचेस को रद्द किया जा सकता है, लेकिन तारीखों को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार योजनाबद्ध है। अब देख लेते हैं कि सरकार का क्या कहना है। सरकार का नाम लिया जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के रुख बड़े साफ हैं। केरल, हरियाणा और दिल्ली समेत सभी स्टेट्स में हेल्थ इमरजेंसी पहले से ही डिक्लेयर हुई है। मास गैदरिंग पे रोक लगाई हुई है। स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा घर सब बंद किए हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने आईपीएल कैंसिल होंगे या नहीं इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि देश में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल फ्रेंचाइजी अलग अलग तरह के प्रमोशनल वीडियो जारी कर रहे हैं, टीवी पर एड्स चल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि बीसीसीआई तो कुछ और ही चाह रहा है। तो क्या आप खाली स्टेडियम में होंगे आईपीएल? इस महामारी के वक्त दुनिया भर के बड़े बड़े मैचेस खाली स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं, लेकिन आईपीएल को लेकर कुछ साफ नहीं है। 40,000 से 50,000 लोग इस मैच को देखने आते हैं और सीट्स स्टेडियम में इतनी तंग होती है कि दर्शक बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना होने के कारण वायरस के संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा है। इसको देखते हुए यही लग रहा है कि अगर आईपीएल बिना दर्शकों के स्टेडियम के बंद दरवाजे के बीच हो और लोग अपने घरों में बैठकर मैचों को मजे से देखें तो अच्छा है, ताकि कोरोना वायरस और ना फैल सके और लोग सुरक्षित रहें। अब बात कर लेते हैं जिसकी सबको चिंता है, अगर आईपीएल कैंसिल होंगे तो क्या स्टेक पर है।
बीसीसीआई के लिए आईपीएल को स्थगित करना या रद्द करना आसान निर्णय नहीं होगा। आईपीएल क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट है। अगर इस बार आईपीएल रद्द हो जाता है तो प्लेयर्स, बीसीसीआई, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और खेल प्रेमियों के लिए बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि सभी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। ये टूर्नामेंट बीसीसीआई के साथ साथ 8 फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि भी मुहैया करवाता है। 2017 में स्टार इंडिया ने आईपीएल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स यानी कि 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2020 के लिए पहले से ही बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टर से पैसे लेकर अपने जेब में डाल लिए हैं। स्पॉन्सर्स ने पहले से ही प्रमोशनल इवेंट्स पर खर्चा करना शुरू कर दिया है। उन्हें भारी नुकसान होगा, साथ ही ये भारत में बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। कोरोना का आईपीएल पर सस्पेंस 14 तारीख तक बना रहेगा। बस एक और दिन का इंतजार है, फिर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में डिसीजन ले लिया जाएगा कि आईपीएल इस बार कैंसिल होंगे या फिर बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आपने मेरे चैनल द आशिमा शो को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।